चुकी है आज पीहू, जिस फिल्म का इंतजार हर कोई बेसब्री से कर रहा था, तो वही फाइनली आज के दिन फिल्म पीहू रिलीज हो चुकी है। आप देखिए किस तरह से इस फिल्म को लेकर पब्लिक के रिएक्शन सामने आ रहे हैं, क्या कुछ यहां पर देश की जनता इस फिल्म को लेके कहती हुई दिखाई दे रही है, देखिए हमारे खास वीडियो। मूवी बहुत ज़्यादा स्लो थी और जो ट्रेलर में दिखाया था वही था, कुछ एक्स्ट्रा इसमें था नहीं, बट जो बच्चे ने काम किया वो बहुत अच्छा है। अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। स्टोरी पे काम हुआ है, कुछ लीक से हटकर काम हुआ है। अभी पहले क्या है, फिल्में कुछ रोमांस वगैरह रहता था, अभी कुछ अलग काम हो रहा है तो ये बेटर है। परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था बच्चे का, जिस हिसाब से उसको डायरेक्ट किया गया वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम किया। स्टोरी वाइज कहीं कहीं पे फिल्म बोर करती है कुछ कुछ जगह पर, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें दी हुई हैं इस तरीके की कि ऑडियंस बोर ना हो, तो काफ़ी अच्छी है, एंटरटेनिंग है। एक्चुअली जब बच्ची उस घर के अंदर अकेली है तो उस बच्ची के साथ क्या क्या घटना घटित हो रही है, वो क्या क्या प्रॉब्लम से फंस सकती है, या हमारे फ्यूचर में कभी हमारी कॉलोनी में ऐसा कुछ हो, तो यही सारी चीज़ें हैं तो जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं और मूवी इंटरेस्टिंग लग सकती है। मैसेज यही देती है कि हमें अपने आस पड़ोस का ध्यान देना चाहिए, हमें ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पे कुछ ऐसा तो नहीं घटित हो रहा है, हमें फैमिली के कुछ मेंबर्स हैं हमारे साथ में तो उनके साथ भी अच्छे से रहना चाहिए, कुछ संबंधों को लेकर के अपने। बहुत अच्छी लगी जैसा मैंने ट्रेलर देखा था। इनफैक्ट मैं इस फिल्म को 2 साल पहले से फॉलो कर रही हूँ, जब से ये फेस्टिवल में जा रही तब से मैं वेट कर रही थी, क्योंकि मैं इस तरह का ही सिनेमा देखना चाहती हूँ। और जो स्टोरी पे काम हुआ है, कंटेंट पे काम हुआ है, वो बहुत अच्छा है। यानी सभी ने मिलके जो बैकग्राउंड म्यूजिक है या जिस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, तो हर स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ चौंकाने वाला कि मिलता है, तो लगता है अब ये होने वाला, सडनली कुछ और ऐसा हो जाता है, तो वो दर्शकों को जो बांधे रखती है। मैंने काफ़ी इन्जॉय किया फिल्म को, लेकिन इन्जॉयमेंट के साथ साथ मैं, मेरे माइंड में बहुत सारी चीज़ें साथ में चल रही थी जो मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रही थी कि कहीं ऐसा होता है तो हम इसको कैसे रोक सकते हैं। इट्स अ गुड मूवी। वो पीहू, या इट्स अ वंडरफुल आर्टिस्ट, बट एक्चुअली आई वॉज थिंकिंग वाई शी डिडंट गेट नेशनल अवार्ड एज अ बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट। बहुत ही अच्छी, मतलब लगा ही नहीं कि पूरी फिल्म में बच्ची ने कोई एक्ट किया है, एकदम रियल कैरेक्टर, नेचुरल एक्सप्रेशन उसके जा रहे हैं, कहीं से कोई लगा ही नहीं कि एक्ट किया गया है, करवाया गया है, एकदम लाइव है वो पूरा। फिल्म दिल को छुई, रूह को छलनी कर दी। ये समझ में नहीं आ रहा था कि अगर ये समाज ऐसा है और हम बड़े बड़े घरों में क्यों रहते हैं, क्योंकि हम यहाँ से निकल के अपने कल को सेफ एंड सिक्योर करते हैं, मगर सेफ और सिक्योर करने के चक्कर में हम कहीं ना कहीं अपने को भूलते जाते हैं और मशीन बनते जा रहे होते हैं। और ये फिल्म वही बता रहा है कि इंसान में पैदा हुए, इंसान रहो, अपने अंदर एहसास है उसको बरकरार रखो, जज्बात को ज़िंदा रखो, और इतना भी देर मत कर दो कि सॉरी सुनने वाला ज़िंदा ना रहे।